हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त संजय सजवाण और आप देख रहे हैं सजवाण डायरी। तो आज है 11 तारीख यानी कि शिवरात्रि। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और शिवरात्रि का दिन है तो सबसे पहले हम अपने मंदिर में पूजा करेंगे, देन उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। वैसे प्लान है कोटेश्वर जाने का और वहाँ का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले सबसे पहले हम फटाफट से पूजा कर लेते हैं, देन मिलते हैं आगे। तो अभी हम फटाफट से तैयार होके और चल दिए हैं मार्केट की तरफ। और देखिए मेरे साथ यहाँ पे अंशु है, पीछे देखिए वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। मम्मी लोग, चाची लोग सब हैं, सब जा रहे हैं आज कोटेश्वर। तो अंशु, अगर तुम मंदिर जाएगा तो भगवान से क्या मांगेगा? तो यहाँ से हम निकालेंगे बेलपत्री जो शिव जी को चढ़ाई जाती है वहाँ पे, मतलब कहीं भी चढ़ाई जाती है शिव जी के लिए, तो बेलपत्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे ये पेड़ बेल का है, उधर बेल के हैं, सर के सारे बेल के पेड़ हैं। अभी बेलपत्री निकालेंगे, तो इस टाइप की निकालनी है। ये तुमने कितनी निकाली? मैंने 4। तो चाची जी ने 4 निकाली हैं, एक गिर गया नीचे। तो इस टाइप से जिसपे 3 पत्ते हों और उन पर छेद वगैरह नहीं होने चाहिए वो चढ़ाया जाता है भगवान शिव जी को। और ये देखो कोशिशें, देखो बेल के पत्ते निकाले जा रहे हैं चाची और मम्मी के द्वारा। निकाला है। तो ये पहुंच चुके हैं हम अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी को करते हैं फटाफट साफ, स्टार्ट करते हैं, दन निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं। तो हो चुकी है हमारी तैयारी, तो लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी और हर हर महादेव चलते हैं, महादेव की द्वार चलते हैं। तो अब निकल चुके हैं हम कोटेश्वर के लिए, मेन रोड पे निकल चुके हैं बाईपास। और ये रहा कोटेश्वर मंदिर के लिए इधर, और अपन लगाएंगे गाड़ी की इधर। चलो यहाँ से एंट्री करेंगे हम आगे के लिए, चलो। बस यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है आगे, और भीड़ देखे कितनी ज़्यादा है, लोग आ रहे जा रहे हैं। ऊपर रोड से 5 मिनट का रास्ता है नीचे के लिए, और हम मंदिर परिसर में पहुंचने वाले हैं। थोड़े से आगे पे मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। और यहाँ से हम गंगा जल लेके जाएंगे शिवजी को चढ़ाने के लिए। भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय।
यहाँ से हमने नदी को पानी चढ़ा के ऊपर जाएंगे यहाँ वहाँ पर वहाँ बहुत टाइम लगने वाला है हमारा। तो भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। चल रही पूजा, ये कौन सी पूजा चल रही है यहाँ पे? ये नदी की पूजा चल रही है, नदी के ऊपर पत्थर पे। हाँ तो वहाँ भीड़ हो रखी है। हाँ तो जगह जगह की कमी की वजह से ऐसे करना पड़ता है। यहाँ पे ये देखो सब जगह पूजा है यहाँ पे, तो नदी में इतना एरिया नहीं है, वहाँ पे डेंजर है, तो इसलिए यहाँ पे करना पड़ता है। और ये ले आए अपन, क्या ले आए? पहले पी लो तो पानी ठंडा पानी पानी कलर गंदा दिख रहा है, लेकिन गंगा जल क्या करें, पवित्र होता है, पवित्र। इतना गंदा पी लिया तूने? नदी का पानी है ना, पवित्र है गंगा जल। और ले क्या, इसको जो है हम शिवलिंग पे चढ़ाएंगे ऊपर गुफा में। चाची लोग वहाँ पे पूजा कर रहे हैं और हम लग जाएंगे लाइन पे ऊपर, है ना? लगेगी हम लाइन पे। फाइनली लाइन मिल गई है जहाँ पे ख़त्म हो रही है। हमारे पीछे कोई नहीं है, आपके पीछे हम और पीछे आगे भाई लोग हमारे पीछे। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। को लगा था लगभग दो घंटा लगेगा, लेकिन कम से कम कितना टाइम, 15-20 मिनट लगे यहाँ पे आने में। जल्दी जल्दी चल रही लाइन, तो जल्दी जल्दी नंबर आ रहे हैं, वरना अगर आराम आराम से चलता तो बहुत टाइम लगता है। और मैं आपको दिखाता हूँ गुफा, देखिए यहाँ से अंदर। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। तो कोटेश्वर से हम जो है यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे गाड़ी लगा ली हमने अपनी एंड इसके बाद हम घर जाएंगे। तो फिर आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।